में आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले वाराणसी से खबर आपको बताने जा रहे हैं। मां विंध्यवासिनी की धाम में आज तो कॉरिडोर का अमित शाह करेंगे शिलान्यास। कॉरिडोर से मंदिर की सीढ़ियों से ही दर्शन होंगे। मिर्जापुर से खबर, मां विंध्यवासिनी के धाम में आज अमित शाह। विंध्याचल कॉरिडोर की तैयारियां पूरी, मिर्जापुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कॉरिडोर का अमित शाह शिलान्यास करेंगे। कॉरिडोर से मंदिर की सीढ़ियों से दर्शन हो सकेंगे। मिर्जापुर से खबर, मां विंध्यवासिनी के धाम में आज अमित शाह। विंध्याचल कॉरिडोर की तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई है और देखिए कितना खूबसूरत ये कॉरिडोर बनाया गया। ये देखिए तस्वीरें, कॉरिडोर से मंदिर की सीढ़ियों से ही दर्शन हो सकेंगे। मिर्जापुर से खबर, मां विंध्यवासिनी के धाम में आज अमित शाह। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कॉरिडोर से मंदिर की सीढ़ियों से ही होंगे दर्शन। और गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर। अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंसेस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया। पौधारोपण करते हुए कार्यक्रम का उन्होंने आगाज किया और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्वागत जब अमित शाह का किया जाता है, यूपी की सौगात 2022 की बात और भूमि पूजन की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वृक्षारोपण जिस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने किया, वो तस्वीरें भी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह यूपी दौरे पर हैं, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत भी इस दौरान कर रहे हैं। और आज आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में वो मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे। विंध्याचल कॉरिडोर की तैयारियां तकरीबन पूरी हो गई हैं और कॉरिडोर का अमित शाह शिलान्यास करेंगे। और हम एक तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये जो कॉरिडोर है कितना खूबसूरत बनाया गया है। लंबे वक्त से इसका काम किया जा रहा था और जो कारीगरी इसमें की गई है वो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। आशुतोष त्रिपाठी कार्यक्रम स्थल से हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आप इस वक्त आप कहां पे खड़े हैं, ताजा जानकारी इस वक्त क्या है अमित शाह के दौरे को लेकर, आशुतोष हम जानना चाहेंगे। जी, हम इस समय जो है जीआईसी के पीएलजे ग्राउंड में खड़े हुए हैं और यहां पे जो है गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है पंडाल बनाए गए हैं आम जनता को बैठने के लिए और यही पे जो है आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह जो है मिर्जापुर की जनता को संबोधित करेंगे और योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। जी आशुतोष, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह कितनी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं? और मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइए, कैमरे का मूवमेंट करिए, दिखाइए कितने लोग हैं इस वक्त कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री कितनी देर में पहुंचने वाले हैं और जिस कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं उसकी क्या खासियत है, कितने लंबे वक्त से इसका काम चल रहा था, इसके बारे में बताएं। बता दें कि जो है
मुख्यमंत्री करीब जो है 3 बजे मिर्जापुर पहुंचेंगे, उसके बाद जो है बिंद कॉरिडोर का जो है शिलान्यास करेंगे, मिर्जापुर रोपवे का शिलान्यास करेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद करीब जो है 4 बजे के आसपास जो है यहाँ पीएलजे स्थित जीआईसी ग्राउंड में आएंगे। यहाँ जीआईसी ग्राउंड में आके जो है जनसभा को संबोधित करेंगे और मिर्जापुर की जो है यहाँ की जनता है काफी आस लगाए बैठी है कि मिर्जापुर को कुछ नई सौगात मिलेगी, कुछ और विकास जिले का होगा। और अब अगर हम बात करें यहाँ तैयारियों की तो काफी जो है 1 महीने से जो है तैयारियों का यहाँ पे जो है चल रहा है। आप देख सकते हैं बारिश का भी मौसम है लेकिन टेंट भी जो है यहाँ पे उस तरीके से लगाए गए हैं कि जो है कि आप देख सकते हैं कि मतलब उस हिसाब से जो है कि मतलब यहाँ की जनता को कोई परेशानी ना हो बैठने में और उतरने में। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 महीने से जो है यहाँ पे तैयारियां चल रही है और यहाँ की जनता जो है करीब 4 बजे से कार्यक्रम होगा, लेकिन जो जनता का जो आना जाना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जनता आ रहे हैं, सीट बैठ रहे हैं, सीट जी। आशुतोष, आपने सौगात की बात कही कि मिर्जापुर के जो तमाम लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस दौरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं अमित शाह से, क्या लगता है किस तरह की सौगातें आज गृह मंत्री अमित शाह मिर्जापुर की जनता को दे सकते हैं? जब सौगातों की बात करें तो करीब जो है 288 करोड़ गांव का जो है जिले की जनता को सौगात देंगे, जो कि जो मतलब यहाँ की जनताओं के मतलब जिले की विकास के लिए और यहाँ की जनता के लिए जो है बहुत बड़ी जो है रकम जो है यहाँ पे दी जा रही है। और अगर हम बिंद कॉरिडोर की बात करें, रोपवे की बात करें, तो अगर बिंद कॉरिडोर का विकास होता है तो वहाँ के स्थानीय लोगों को भी जो है रोजगार मिलेंगे। उसके साथ साथ जो है रोपवे के वजह रोपवे से यहाँ के स्थानीय लोगों को, जिले की जनता को जो है पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो है यहाँ के रोजगार के अवसर सुलभ हो गए और यहाँ की जनता को जो है उनके जो है रोजगार उनको उपलब्ध होगी। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कॉरिडोर का अमित शाह शिलान्यास करेंगे, जैसा कि आशुतोष ने बताया अब से कुछ ही घंटों में अमित शाह माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे मिर्जापुर और मिर्जापुर के लोगों को कई सौगातें भी देंगे। ये कॉरिडोर की तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, जिसपे लंबे वक्त से काम किया जा रहा था, जहाँ गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर